बड़ी खबर रांची से, दोनों ही टीम्स भारत और न्यूजीलैंड रांची पहुंच चुकी है। कल टी20 सीरीज, कल जेएससीए स्टेडियम में टी20 का मैच होना है और आज दोनों ही टीम्स जेएससीए स्टेडियम पहुंचकर पसीना बहा रही है, प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि कल है भारत न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला। और फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं जेएससीए स्टेडियम, जहां पर हमारे सहयोगी शहनवाज मौजूद है। जी शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे क्या दोनों ही टीम्स जेएससीए स्टेडियम पहुंच चुकी है और प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है? देखिए, मैं इस वक्त जेएससीए स्टेडियम में मौजूद हूं, साउथ पेवेलियन के पास, जिसे एमएस धोनी पेवेलियन भी कहा जाता है। और आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा उसमें वो ग्रीन्स है पिच के ऊपर, तो कवर किया हुआ है आप देखें, लेकिन पिच के ठीक पीछे आपको भारतीय टीम के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई अपनी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, और कुछ जूनियर खिलाड़ी जो जेएससीए से जुड़े हुए हैं उनको बॉलिंग भी करा रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है भारतीय टीम के खिलाड़ी, देखिए फुटबॉल को हेड कर रहे हैं, ये एक तरह का मल्टीपल एक्सरसाइज है और ये वार्म अप भी है। आपने देखा होगा कि कल भारतीय टीम इंदौर से यहाँ पहुंची थी और थके हुए खिलाड़ी सीधे सीधे होटल चले गए, उसके बाद फिर आज पहली पाली में न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर आई और वो अपनी प्रैक्टिस करके अब यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है और उनके बाद अब भारतीय टीम का मौका है। ये कल से प्री अनाउंस था कि भारतीय टीम यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी और अभी अभी 5 मिनट पहले हार्दिक पांड्या जो कप्तान है इस कल के खेल के, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है हम लोगों के साथ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तरह के सवाल हार्दिक पांड्या से पूछे गए। स्ट्रेटेजी के सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि स्ट्रेटेजी का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, ये जैसा होगा जैसे संसाधन, जैसे लेफ्ट आर्म बॉलर राइट आर्म बॉलर जो हमें उपलब्ध है उन्हीं के सहारे ये मुकाबला करेंगे और जो बेस्ट हो सकेगा परफॉर्मेंस हम वो देंगे। और अब तक जो कामयाबी का जो सिलसिला चल रहा है, चक्र चल रहा है, वो यहाँ भी जारी रहेगी और जाहिर है 2013 में सबसे पहला मैच यहाँ पर हुआ था। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लगातार वनडे इंटरनेशनल मैच हुए, टेस्ट मैचेस हुए, टी20s हुए, CLT हुए, IPL हुआ और ये सब कुछ, ये इतना फेवरेट हो चुका है खिलाड़ियों का, खास करके इंडियन टीम के खिलाड़ी जब यहाँ आते हैं तो कोई माही के घर चला जाता है, वहाँ डिनर करता है, कोई उनके गैराज में मोटरसाइकिल की सवारी करके फोटो पोस्ट करता है। कुल मिलाकर के जो रांची का वेन्यू, रांची के लोग, रांची के क्रिकेट के चाहने वाले, वो बहुत अपने से लगते हैं भारतीय टीम के खिलाड़ियों को। ये अभी अभी हार्दिक पांड्या ने भी कहा। एक बार फिर मैं आपको नए जुड़े हैं दर्शकों को ये दिखा दूं कि यही वो वेन्यू है जहां पर कल इस वक्त इतना शोर होगा, इतना चेयरअप करेंगे लोग कि यहाँ पर एक मजा सा आ जाएगा। ये सारा स्टैंड भरा हुआ होगा खचाखच, 49,000 की कैपेसिटी है और कल 7:30 बजे ये टी20 मैच यहाँ पर खेला जाएगा। 4:30 बजे 5 बजे के आसपास आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने टिकट खरीदा है तो आपके टिकट पे ही साफ साफ अक्षरों में स्टैंड भी लिखा हुआ होगा, सीट नंबर भी लिखा रहा होगा और जब आप रांची से चलेंगे तो आपको बिरसा चौक के बाद एचईसी गेट के पास ही आपको तख्तियां लगी होंगी, होर्डिंग्स लगे हुए होंगे, उसको पढ़े और अपने टिकट पे जो स्टैंड लिखा है उसको मैच करके उस रास्ते से आगे आए। और ये उम्मीद है कि कल भारत जरूर जीते, क्योंकि कल भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मुकाबला है। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।